Hey guys, welcome back to my channel and I hope you are all doing good. तो अभी मेरे सामने खड़ी है guys Swift एंड ये इसकी टॉप एंड है. आप सभी को बता दूं तो ये डुअल टोन में अवेलेबल है. इसमें हमें अलॉय व्हील्स मिल जा रहे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त इसका इंटीरियर हमें मिलने वाला है एंड इसका जो एसी का सेटअप मिलने वाला है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़बरदस्त लगा. आप स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को एंड बात करते हैं हर एक डिटेल्स के बारे में. सो गाइस स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट हमें गाड़ी दिखती है कुछ इस तरीके की. सामने हमें यहाँ पे क्रोम लाइन दिख जा रही है एंड मारुति की हमें लोगो बड़े से मिल जा रही है. एंड इस गाड़ी कलर की बात करूँ तो हमें रेड एंड ब्लैक ये डुअल टोन में गाइस कलर ऑप्शन अवेलेबल है. लाइट्स की बात करूँ तो हमें यहाँ पे व्हाइट लाइट प्रोवाइड हो रही हैं एंड ये हमें प्रोजेक्टर लैंप्स मिल रहे हैं एंड नीचे फॉग लैंप हमें मिल रहा है. ये है इसका ओवरऑल लाइट्स का सेटअप. एंड गाइस फ्रंट ग्रिल की बात करें तो ये हमें ब्लैक कलर में मिल रहा है बट ये ग्लॉसी फिनिश में नहीं है, नॉर्मल ब्लैक कलर में मिल रहा है. एंड इसके नीचे गाइस हमें किसी अलग एडिशनल स्किड प्लेट नहीं प्रोवाइड करा जा रहा है. इस तरीके का है गाइस इसका फ्रंट का सेटअप. फ्रंट से गाइस गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है. गाइस साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो हमें साइड में अलॉय व्हील्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं. फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक मिल रहा है, रियर में हमें ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं. टायर साइज की बात कर लें तो हमें 15 इंचेस के टायर्स मिलने वाले हैं. 185/65 का हमें टायर रेशियो मिलने वाला है. एंड क्लैडिंग की बात कर लें गाइस तो साइड में हमें किसी तरीके की क्लैडिंग नहीं प्रोवाइड करी जा रही है. यहाँ पे हमें कीलेस एंट्री प्रोवाइड करी जा रही है जो कि ड्राइवर सीट में हमें मिल रही है राइट साइड में. लेफ्ट साइड में अगर हम देखें लेफ्ट साइड में भी गाइस हमें कीलेस एंट्री प्रोवाइड करी जा रही है. ओआरवीएम्स की बात करें तो ये हमें ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ओआरवीएम्स मिल रहे हैं एंड ओआरवीएम्स पे ही हमें साइड इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं. एंड फ्यूल लिड की बात कर लें गाइस तो फ्यूल लिड हमें गाड़ी के लेफ्ट साइड में मिल रहा है. रियर प्रोफाइल की बात करें गाइस तो रियर में हमें स्विफ्ट की बैजिंग मिल जा रही है एंड मारुति का बड़ा सा लोगो मिल जा रहा है. रियर में गाइस हमें वाइपर एंड डिफॉगर ये दोनों चीजें मिल रही हैं. रियर वाटर आउटलेट की बात करें तो यहाँ पे हमें रियर का वाटर आउटलेट मिल जा रहा है. ऊपर हमें हार्ड एंटीना मिल जा रहा है. एंड रियर कैमरे की बात करें गाइस तो हमें नंबर प्लेट के ऊपर यहाँ पे हमें रियर कैमरा इसका मिल रहा है. पार्किंग सेंसर्स की बात करें गाइस तो हमें यहाँ पे चार चार पार्किंग सेंसर्स मिल जा रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4. एंड रियर लाइट्स के सेटअप की बात करें गाइस तो ये भी हमें LED सेटअप मिलने वाला है. एंड इस तरीके का है गाइस इसका ओवरऑल कुछ रियर से लुक. साइड प्रोफाइल की बात करें गाइस तो साइड से हमें ये लुक आने वाला है. साइड से हमें रेड एंड ब्लैक ये दो कलर्स में गाइस मिलने वाला है. ऊपर ग्लॉसी ब्लैक में है गाइस, देन बीच में नॉर्मल रफ ब्लैक में एंड नीचे अगेन रेड कलर का है. तो इस तरीके का गाइस इसका ओवरऑल साइड लुक रहने वाला है, साइड प्रोफाइल रहने वाला है. आप सब बताना कमेंट सेक्शन में आप सभी को ये कैसा लगा. डोर हैंडल्स की बात कर लें गाइस तो डोर हैंडल्स हमें रेड कलर के मिल रहे हैं यहाँ पे. एंड रियर डोर्स की बात करें तो इस तरीके का हमें कुछ डोर हैंडल्स यहाँ पे प्रोवाइड करे जा रहे हैं. एंड रियर डोर्स के ओपनिंग की बात करें गाइस तो इस तरीके का है, कुछ इतना रेंज तक गाइस ये डोर्स ओपन हो सकते हैं. अब चलते हैं गाइस ड्राइवर्स डोर के तरफ एंड ओपन करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें गाड़ी ऑफर कर रही है एंड कैसा दिखता है हमें इसका इंटीरियर. तो जैसे ही हम यहाँ पे गाइस डोर्स ओपन करते हैं सबसे फर्स्ट लुक गाइस हमें इस तरीके का कुछ मिलने वाला है. सामने हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम दिख जाएगा एंड इस तरीके का हमें ओवरऑल लुक मिलने वाला है. इस तरीके का गाइस हमें ड्राइवर सीट से व्यू मिलने वाला है गाड़ी के फ्रंट सीट पे से. एंड सामने हम बात कर लें इसके डिजिटल कंसोल की गाइस तो डिजिटल कंसोल पे हमें लेफ्ट साइड में RPM मीटर मिल जा रहा है, राइट साइड में स्पीडोमीटर मिल जा रहा है. टॉप स्पीड की बात करें 220 किलोमीटर की हमें टॉप स्पीड मिलने वाली है. राइट साइड में हमें फ्यूल टैंक इंडिकेटर मिल जा रहा है, लेफ्ट साइड में हमें टेम्परेचर इंडिकेटर मिल जा रहा है. बीच में गाइस डिजिटल कंसोल की बात करें तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर, टाइम, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज एंड ओडो इतना कुछ गाइस हमें बीच में दिखाई दे रहा है. अब इसको हम सेट कैसे करेंगे गाइस तो अगेन मारुति में गाइस ट्रिप अगर सेट करना है तो इधर लेफ्ट साइड का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ से ट्रिप सेट होगा, ट्रिप 1, ट्रिप 2. एंड राइट साइड में जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, टैप करते हैं, यहाँ पे हमारा किलोमीटर पर लीटर, ड्राइविंग टाइम, टॉक एंड अगेन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इतना कुछ गाइस हमें इस डिजिटल कंसोल पे शो करने वाला है. एंड चूंकि बात कर लें गाइस इसके स्टेयरिंग व्हील की तो हमें फुल्ली राउंडेड शेप के स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलने वाली है. नीचे से गाइस हमें इस तरीके का फ्लैट सरफेस मिलने वाला है. राइट साइड में गाइस हमें क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं जो कि हैं कुछ इस तरीके के. लेफ्ट साइड की गाइस हम बात करें तो ट्यून ट्रैक चेंज करने का बटन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड मोड एंड म्यूट का, इतने चीज़ों का हमें बटन्स मिलने वाला है. नीचे अगेन हमें तीन तीन बटन्स मिल रहे हैं कॉल, पिकअप कॉल एंड वॉइस असिस्टेंट के. एंड बीच में गाइस हमें मारुति के लोगो मिल जा रहा है एंड यहाँ पे हमें SRS बैग्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं. इस तरीके का है गाइस इसका ओवरऑल स्टीयरिंग का सेटअप. बात कर लें गाइस इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में तो इंफोटेनमेंट सिस्टम पे जैसे ही हम होम पे टैप करते हैं, होम पे हमें गाइस FM, डेट, टाइम एंड मीडिया, फोन कनेक्ट इतने सारे चीज गाइस डिफॉल्ट हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं. जैसे ही हम इसके सेटिंग्स में जाते हैं गाइस तो हमें सिस्टम सेटिंग्स, ऑडियो सेटिंग्स, ट्यूनर सेटिंग्स एंड कनेक्टिविटी सेटिंग्स इतने सारे हमें सेटिंग्स दिखने वाली हैं यहाँ पे. एंड जैसे ही हम यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं तो हमें सिर्फ डिस्प्ले ब्राइटनेस के हमें यहाँ पे मिलने वाला है. बैक हम यहाँ से कर सकते हैं गाइस एंड इतना कुछ हमें
इस सेटिंग्स में मिलने वाला है व्हीकल अलर्ट्स, लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिक्योरिटी में जाते हैं गाइस तो सिक्योरिटी पिन प्रोटेक्शन भी हम ऑन कर सकते हैं एंड पिन डालने के बाद हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरीके का है गाइस इसका ओवरऑल डिजिटल कंसोल। रियर कैमरे की बात करें गाइस तो जैसे ही हम इसको रिवर्स में लेते हैं हमारा रियर कैमरा एक्टिवेट हो जाता है एंड इस तरीके का हमें रियर कैमरा कुछ दिखता है, तो काफी अच्छी क्वालिटी आप सभी को प्रोवाइड करने वाला है। इसके नीचे गाइस हम जैसे ही देखते हैं हमें एसी का यहाँ पे सेटअप मिलने वाला है। ये चीज गाइस मुझे इस गाड़ी में पर्सनली बताऊं तो बहुत ही ज्यादा अपील करी एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि इन्होंने इसका डिजाइन बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। एंड ये जो मॉडल है गाइस ये है इसका ZXi प्लस मॉडल। इधर गाइस हम फ्रंट एंड रियर के एसी का सेटअप कर सकते हैं। इधर गाइस बीच में जो यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है इसमें से हम अपना एसी फैन स्पीड एंड डायरेक्शन एंड टेम्परेचर ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ इसके बटन मिलने वाले हैं। इसके नीचे आ जाते हैं गाइस तो हमें यहाँ पे 120 वोल्ट्स का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिल रहा है। इस साइड बात कर लें तो हमें USB एंड AUX सॉकेट यहाँ पे मिलने वाला है। नीचे हमें गाइस यहाँ पे थोड़े स्पेसेस प्रोवाइड करे गए हैं। इधर हमें दो दो कप होल्डर्स मिल जा रहे हैं जो कि अगेन कूलिंग फैसिलिटी के साथ नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे हमें 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर मिल जा रहा है। इधर हमें नॉर्मल हैंड ब्रेक मिल जा रहा है। आर्मरेस्ट हमें नहीं प्रोवाइड करा जा रहा है, बट यहाँ पे अगेन पीछे थोड़ा बहुत स्पेस मिल रहा है जिसमें आराम से आप सब एक बॉटल रख सकते हैं। एसी वेंट्स की बात करें गाइस तो हमें चार चार एसी वेंट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। एंड कलर स्कीम की बात करें तो फुल्ली ब्लैक कलर में गाइस हमें ये गाड़ी इंटीरियर से भी मिलने वाली है। एंड यहाँ पे हमें इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिलने वाला है राइट साइड में। उसके नीचे गाइस हमें अपनी लाइट्स की दूरी सेट करने के लिए यहाँ पे एक बटन मिल जाता है। डोर पैनल की बात करें गाइस तो डोर पैनल हमें मिलता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे हमें चार चार बटन्स मिल जाते हैं पावर विंडोज के ऊपर। हमें डोर लॉक एंड अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, विंडो लॉक एंड अनलॉक के बटन मिल जाते हैं एंड यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स के बटन्स मिल जाते हैं। इस तरीके से गाइस हम अपना साइड मिरर्स सेट कर सकते हैं। नीचे हमें एक स्पीकर मिल रहा है, ऊपर हमें एक ट्विटर यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे हमें बॉटल होल्ड करने के लिए थोड़ी स्पेस मिल रही है एंड कुछ सामान रखने के लिए स्पेस मिल रही है। इस तरीके का है गाइज इसका ओवरऑल इंटीरियर का लुक। मटेरियल की बात करें तो हमें यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक काफी ज्यादा मिल रही है, हार्ड मटेरियल काफी ज्यादा मिल रहा है। बट अगेन इसका इंटीरियर का लुक गाइज पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया एंड बहुत ही ज्यादा एनहेंस कर दिया है, उसके लिए अब एक थम्स अप टू मारुति। रियर व्यू मिरर की बात करें गाइज तो ये ऑटो डिमिंग हमें नहीं मिलने वाला है। एंड लाइट्स की बात करें तो अगेन हमें येलो लाइट्स प्रोवाइड करी जा रही है, ना ही कोई व्हाइट लाइट। सनशेड की बात करें तो सनशेड में हमें यहाँ पे मिरर्स मिल रहे हैं बट किसी भी तरीके के लाइट्स नहीं मिल रहे हैं। ड्राइवर सनशेड की बात करें गाइस तो इसमें हमें ना ही मिरर्स मिल रहे हैं, लाइट तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। ग्लव बॉक्स की बात करें गाइस तो ग्लव बॉक्स में हमें काफी डिसेंट स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है। पैसेंजर डोर की बात करें तो पैसेंजर डोर भी सेम एज ड्राइवर्स डोर, यहाँ पे हमें क्रोम हैंडल प्रोवाइड करे जा रहे हैं। सीट्स की बात करें गाइस तो सीट कुशनिंग मुझे पर्सनली काफी बेहतरीन लगी एंड यहाँ पे पैडिंग सीट की काफी अच्छी गई है जो आप सभी को काफी अच्छे तरीके से होल्ड करके रखी रहेगी एंड काफी मजा आने वाला है इस गाड़ी को ड्राइव करने में। चलते हैं गाइस इसके रियर सीट्स पे एंड देखते हैं क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली हैं। तो जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं एंड बैठता हूं, फ्रंट सीट गाइस पूरी बैक कर देने के बाद भी हमें थोड़ी सी लेग रूम यहाँ पे मिल रही है। एंड मेरी हाइट है गाइस करंटली 6 feet एंड मेरे लिए इतना लेग रूम मिल रहा है तो काफ़ी बेटर स्पेस है। एंड फ्रंट सीट गाइस मैंने पूरी ही पीछे कर रखी है, उसके बाद मुझे इतनी स्पेस मिल रही है। हेडरूम की बात करें गाइस, मुझे पर्सनली इसका हेडरूम काफी अच्छा लगा, ना ही बहुत खराब ना ही बहुत अच्छा है, काफी बेहतरीन लगा मुझे। अगर इसके लिए आप सब प्लान कर रहे हो तो काफी कंफर्टेबल आप सभी की जर्नी रहने वाली है। रियर में गाइस हमें यहाँ पे बीच में हम्प मिलने वाला है, बट उतना ही बड़ा हम्प नहीं है, बट हम्प ऑब्वियसली हमें थोड़ा बहुत तो डिस्टरबेंस क्रिएट करता ही है। रियर हेडरेस्ट की बात करें गाइस तो रियर हेडरेस्ट भी हमें एडजस्टेबल मिल रहा है, फ्रंट हेडरेस्ट भी हमें एडजस्टेबल मिल रहा है। रियर डोर्स की बात करें तो सेम एज पैसेंजर डोर हमें रियर डोर्स मिलने वाले हैं। रियर से आप सभी को एक बार लुक दिखा दूं तो रियर से हमें गाड़ी का लुक दिखने वाला है कुछ इस तरीके का। एंड गाइस इस गाड़ी में 4 स्पीकर, 2 ट्विटर एंड एयरबैग्स की बात करूं तो हमें 2 एयरबैग्स मिल रहे हैं, एक ड्राइवर एंड एक को पैसेंजर के लिए। अब चलते हैं गाइस गाड़ी के बाहर एंड बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, पावर के बारे में एंड माइलेज के बारे में। बात कर लेते हैं गाइस इसके बूट कैपेसिटी की। तो हम यहाँ से बूट ओपन करते हैं एंड इस तरीके का हमें कुछ इसका बूट मिलने वाला है। 268 लीटर्स का हमें बूट कैपेसिटी मिलने वाली है। बूट की बात करें तो इधर साइड में हमें यहाँ पे टूल किट रखने के लिए थोड़े स्पेस मिल जा रहे हैं। इधर हमें एक लाइट प्रोवाइड करी जा रही है। यहाँ पे हमें एक हुक मिलने वाला है जिसमें हम मैक्सिमम 5 से 7 किलो तक सामान रख सकते हैं। स्टेपनी की बात करें गाइस तो इसके नीचे हमें स्टेपनी मिलने वाली है। एंड स्टेपनी टायर्स की बात करें तो इस पे हमें अलॉय व्हील्स नहीं मिल रहा है। टायर साइज की बात करें हमें 14 इंचेस के टायर्स मिलने वाले हैं। तो इस तरीके का है कुछ रियर का इसका ओवरऑल सेटअप एंड बूट सेटअप।
सेटअप। अब बात कर लेते हैं गाइज इसके प्राइस के बारे में, माइलेज के बारे में एंड पावर के बारे में, उसके बाद से इस वीडियो को एंड करते हैं। बात कर लें गाइज इंजन डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो 1200 सीसी का हमें इंजन मिलने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें 37 लीटर्स की हमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। प्राइसिंग की बात करें तो 8,43,000 हमें एक्स शोरूम प्राइस मिलने वाला है इस गाड़ी का। एंड गाइज पावर एंड टॉर्क की बात करें तो 89 पीएस का पावर जनरेट करती है 6000 आरपीएम पे एंड 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करती है 4400 आरपीएम पे। तो पावर एंड टॉर्क में तो हमें किसी भी तरीके की कमी नहीं मिलने वाली है। एंड ओवरऑल लुक इसका काफी ज्यादा स्पोर्टी करा गया है, तो मुझे तो पर्सनली ये गाड़ी काफी ज्यादा बेहतरीन लग रही है। आप सभी बताना कमेंट सेक्शन में आप सभी कैसी लगी ये गाड़ी। अब गाइज इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करना, कमेंट करके अपने थॉट शेयर करना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आप सभी को मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें।